हेलो एंड वेलकम बैक। चलिए बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे हमारे क्लास टेंथ के जो आने वाले एग्जाम्स हैं सीबीएसई 2024। तो आप ये जो क्लास है उसमें हम पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे, साथ में जो सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने इशू किया है 2024 एग्जामिनेशन के लिए, तो उसमें जितने भी सारे क्वेश्चंस आए हैं इंक्लूडिंग केस स्टडीज, उन सबको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो हम चैप्टर वाइज चलेंगे आराम से। चैप्टर वाइज सबसे पहले हम उठाएंगे चैप्टर नंबर 1 जो कि रियल नंबर है, और उसमें जितने भी हमारे सैंपल पेपर की क्वेश्चंस हैं, और हम कोशिश करेंगे कि पीवाईक्यू की मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है हमारा कवर हो जाए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छा चल रहा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की क्लास जो है पहला क्लास, वो हम स्टार्ट करते हैं रियल नंबर से, ठीक है। आप ये जो फॉर्मेट है क्वेश्चन पेपर का, उसमें आपको मालूम है सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई तक होता है, राइट। और सेक्शन ए में आपके पास पता है 20 मार्क्स के, आपके पास एक एक नंबर की, सॉरी 20 क्वेश्चन होती है एक एक मार्क्स के, राइट। तो वैसे ही क्वेश्चन है जो कि एक मार्क्स का है इस साल सीबीएसई सैंपल पेपर क्वेश्चन में है, अगर आपने देखा होगा सैंपल पेपर। तो सबसे पहले जो पहला जो क्वेश्चन है आपके पास वो ये क्वेश्चन है, यहाँ लिखा हुआ है, अगर आपके पास कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर है ना, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर रिटन एज, ए को लिखा गया है एक्स क्यूब वाई का स्क्वायर है, अब यहाँ पे नंबर दिया नहीं गया है, आपको नंबर ऐसा कहा गया कि वो नंबर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर की फॉर्म में है, और दूसरा है हमारा एक्स वाई क्यूब है, राइट। और ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये जो एक्स वाई है दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ए है और बी है उनका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ है, राइट। तो आपके पास जो ए है उसको एक्स क्यूब वाई के स्क्वायर फॉर्म में लिखा, और बी को एक्स वाई के क्यूब में लिखा। ऐसा कि जैसे आप थोड़ा सा एग्जाम्पल देखिएगा, ऐसा कोई नंबर है जैसे आपके पास, मान लीजिए आप कहें ए नंबर आपके पास है 2³ और 3 का स्क्वायर है ना, 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर है, किसी नंबर को हमने लिखा 2³ और 3 के स्क्वायर में, और दूसरा नंबर है हमारे पास, आप क्या करिए 3 का ए जो 2 है उसका स्क्वायर कर दीजिए, 3 का क्यूब कर दीजिए, है ना। तो दोनों प्राइम नंबर है आपके पास, नंबर मिल जाएंगे। अब वो ये कह रहा है आपके पास कोई भी दो नंबर है जिस जो एक्स क्यूब वाई स्क्वायर के फॉर्म में और एक्स वाई क्यूब के फॉर्म में है, अगर देन दैट रिजल्ट ऑब्टेन्ड, जो हमें रिजल्ट मिलेगा बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर बाय द एलसीएम ऑफ ए बी, मतलब इन दोनों नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, ध्यान से देखिएगा, जब भी हम कोई भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और उसी नंबर के एलसीएम से इसी को डिवाइड करते हैं, आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा, यही हमारा एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ ऑफ टू नंबर बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर डिवाइडेड बाय द एलसीएम ऑफ द टू नंबर, राइट। तो आप यहां पे दो नंबर तो हमारे पास है, या क्या है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर है, है ना, और यहाँ हमारे पास क्या है, एक्स वाई का क्यूब है। अब हमें क्या है यहाँ पे, आप मुझे निकालना है, आप यहाँ जो बी है वो फॉर्मेट में दिया है वाई क्यूब, तो 2y 2 3 का क्यूब के फॉर्म में दिया है, राइट। अब फिलहाल इसको भूल जाओ, मेरे पास जो सबसे पहले जब आपको एचसीएफ निकालना होता है, एलसीएम निकालना जरूरी है इसमें, है ना। तो ऑप्शंस आपके पास हैं, एक्स वाई है, एक्स वाई का स्क्वायर है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर है, एक्स वाई स्क्वायर है। सबसे पहले हम जानेंगे इसमें एलसीएम क्या होंगे, राइट। तो एलसीएम को निकालते कैसे हैं, जब भी आप एलसीएम, आपने पढ़ा होगा एलसीएम ऑफ द टू नंबर, क्या होता है एलसीएम, एलसीएम होता है दो नंबर के, आप उन दोनों नंबर्स के मल्टीपल्स देखो क्या क्या है, उन मल्टीपल्स में कॉमन देखो क्या क्या है, उन कॉमन में लीस्ट क्या होता है, उसी को हम एलसीएम कहते हैं, राइट। अब यहां पे क्या हो जाएगा, जब भी आपको एलसीएम चाहिए होता है किसी भी दो नंबर का निकालना हो, सबसे पहले आप ये कोशिश करें उन दोनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे ही आप करेंगे, आपने एलसीएम निकालते समय जितने भी प्राइम नंबर है दोनों नंबर्स में उनको लिखना होता है। एक प्राइम नंबर है सर एक्स है, इंटू करिए, दूसरा प्राइम नंबर है वाई, ठीक है, दो ही प्राइम नंबर है एक्स एंड वाई, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्स एंड वाई प्राइम नंबर्स, राइट। आप क्या करेंगे, जो आपने नंबर लिखा है उसका हाईएस्ट पावर लिखेंगे, यहाँ पे उप ए के ए में एक्स का क्यूब है और बी में एक्स का पावर 1 है, तो हाईएस्ट कौन सा हुआ, हाईएस्ट 3 हुआ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स का पावर 3, और वाई का स्क्वायर है यहाँ पे बी में वाई के क्यूब है, तो हाईएस्ट कौन सा हुआ, अगेन 3 हुआ,
तो आप x क्यूब y क्यूब यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं x क्यूब इंटू वाई क्यूब, ये हमारे पास हो गया एलसीएम, राइट। अब आपको एचसीएफ चाहिए तो सिंपली एचसीएफ क्या आएगा, अब आपके पास आंसर आ चुका होगा, एचसीएफ बराबर हुआ प्रोडक्ट द टू नंबर a इंटू b। a क्या है, a है हमारे पास x क्यूब y का स्क्वायर इंटू b क्या है x y का क्यूब, राइट। डिवाइड करोगे एलसीएम क्या है हमारे पास, एलसीएम आया x क्यूब y क्यूब, क्लियर। ओके, तो आपके पास हुआ क्या, ये x क्यूब से x क्यूब कैंसिल, y क्यूब से y क्यूब कैंसिल, बचा क्या, बचा आपके पास x और y का स्क्वायर या y स्क्वायर x बचा, है ना। ऑप्शन कहां पे है, x y स्क्वायर आपके पास ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो ये आपके पास पहला सवाल था जो कि सिंपल पेपर 2024 में आपको दिया गया है, इश्यू किया गया है सीबीएसई की तरफ से, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान रहे आप इन क्वेश्चंस को आराम से करिएगा, आपको समझ में आया होगा आई होप, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना था, जस्ट हमें एचसीएफ निकालना था। याद रहे जब भी कोई भी दो नंबर या तीन नंबर या चार नंबर का एचसीएफ निकालना हो, आपने पहले उन नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करना जरूरी है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद ही आपका एचसीएफ एलसीएम निकलता है। अगर आपको एचसीएफ पता है, एलसीएम इस फॉर्मूले में निकाल सकते हो। अगर एलसीएम पता है तो एचसीएफ आप इस फॉर्मूले से आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे एलसीएम भी नहीं है, एचसीएफ भी नहीं है, क्योंकि नंबर्स का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ है, हमने आराम से हमने क्या निकाला, एलसीएम आपका निकाल लिया, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपका पहला क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा, इसको नोट करिए, थैंक यू। चलिए, आपने नोट करा होगा, अब आगे चलते हैं। अब उससे पहले, आगे क्वेश्चन से बढ़ने से पहले, मैं आपको ये जरूरी समझता हूँ कि जो चैप्टर है उसका थोड़ा सा हम इंट्रो भी करें, राइट। अब देखने ध्यान से, हमारे पास जो चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है रियल नंबर, है ना, इस चैप्टर में हमारे पास जो एग्जाम में पूछा जाएगा, हमारे पास जो सिलेबस में है वो है क्या, आपके पास इस सिलेबस में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। कभी कभी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को कहते हो आप यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम भी कहते हैं या प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम भी कहते हैं, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है या यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम है या ये क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम है, ठीक है। इनमें से कुछ भी आ जाता है, अगर क्वेश्चन में ये आए स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है, तो होगा क्या, आपके पास सवाल ये है, दिस इज द क्या है, स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अगर ऐसा कुछ सवाल आता है तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की स्टेटमेंट को आपने लिखना है, ठीक है। होता क्या है, ध्यान से देखिए, जब भी आपके पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, आपके पास दो चीजें जरूरी हैं। एक है प्राइम नंबर क्या होती है उनके बारे में जानना, दूसरा है कंपोजिट नंबर है वो क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कंपोजिट नंबर को लिखता हूँ, ठीक है, ये हमारे पास है, दिस इज द कंपोजिट नंबर है, ठीक है, ये एक सेट होता है, और दूसरा हमारे पास है प्राइम नंबर का, ठीक है, प्राइम नंबर है, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या होता है और प्राइम नंबर क्या होता है देख लेते हैं। चलिए, कंपोजिट नंबर वो सारे नंबर्स हैं, वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनका दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, यानी वो सारे नंबर जिनका जो डिवाइजर है वो दो से ज्यादा हो, मतलब एग्जांपल, अगर आप चार को लेते हैं, चार के फैक्टर्स कौन कौन है, चार को वन भी डिवाइड कर सकता है, यानी वन फोर्स ऑफ फोर लिखते हो आप, या टू टू ऑफ फोर लिखते हो, तो जो जब भी आप फोर को वन से डिवाइड करोगे या टू से डिवाइड करोगे या फोर से डिवाइड करोगे, आपको हमेशा रिमाइंडर जीरो मिलेगा, है ना। ओके, ये सारे के सारे डिवाइजर हैं, तो आप कहते क्या हो, चूंकि फोर का जो फैक्टर है वो वन है, टू है, फोर है, आपके पास मोर देन टू फैक्टर्स हैं, उन सारे नंबर को हम कंपोजिट कहेंगे, चाहे थ्री आए, चाहे फोर फाइव सिक्स, जितना भी आए। अब एक चीज जान लेना, जब भी हम किसी नंबर का फैक्टर निकालते हैं, उस नंबर का एक और खुद हमेशा फैक्टर बनता है, ठीक है, यानी वन और खुद इटसेल्फ इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ठीक है। अगर आप मान लो कंसिडर करें थ्री है, थ्री का एक फैक्टर वन है, दूसरा फैक्टर थ्री खुद है, टू ले, एक है वन है, तीसरा फैक्टर टू है, सिक्स ले, एक फैक्टर वन है, दूसरा सिक्स है, तीसरा टू है, चौथा थ्री है, राइट। तो ये सारे के सारे हर एक नंबर का फैक्टर होता है,
है ना, हर एक नंबर का फैक्टर होता है, सिर्फ वन का कंसिडर करते हैं, वन का एक ही फैक्टर है, वो खुद ही है, वन को वन के अलावा कोई दूसरा डिवाइड नहीं कर सकता, है ना। तो वो सारे नंबर्स जिनका मोर देन टू फैक्टर हो, दो से ज्यादा फैक्टर हो, तो हम यहां पर एक शब्द लिख सकते हैं ए मोर देन टू फैक्टर्स। मोर देन टू फैक्टर्स, जितने भी सारे नंबर हैं अगर मोर देन टू फैक्टर है उनका हम कंपोजिट कहेंगे। सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन है, ये भी क्वेश्चन है, सवाल। सबसे स्मॉलेस्ट या लीस्ट कहो जो शुरू होता है कंपोजिट नंबर, वो होता है फोर से, है ना। फोर के बाद है सिक्स है, फिर आपके पास है एट है, फिर आपके पास है नाइन है, फिर यहाँ पे ट्वेल्व है, फिर सॉरी टेन है, ट्वेल्व है, फिर यहाँ पे फोर्टीन है, फिर फिफ्टीन है, चलता जाता है। अब आप यहाँ पे क्या नोट कर रहे हो, जो कंपोजिट नंबर है ना उसमें इवन भी आता है, जैसे फोर सिक्स एट टेन इवन है, ऑड भी आता है, नाइन है, फिफ्टीन है, जैसे ट्वेंटी वन है, ये सारे के सारे कंपोजिट नंबर्स हैं, राइट। इसी का क्या होता है, अगर आप प्राइम नंबर को डिफाइन करोगे, प्राइम नंबर और दो नंबर जिनका दो ही फैक्टर होता है, खुद और वन, ठीक है। अब हमने ये कहा था एवरी नंबर का जो फैक्टर वन और खुद होता ही होता है, अगर उनके अलावा कोई और नहीं है तो उनको प्राइम कहेंगे, अदरवाइज कंपोजिट कहेंगे। तो प्राइम नंबर का हम यहां पे एग्जैक्टली कह सकते हैं एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर टू है, उसके बाद थ्री है, फिर फाइव है, सेवन है, ये तेरता जाता है ना। अब आप और एक चीज यहां पर जान ले, ये जो टू है ना, टू इज द स्मॉलेस्ट सबसे छोटा प्राइम नंबर कह सकते हो, या और एक चीज है, टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, वो मैं बताऊंगा, टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर, राइट, क्लियर है, क्लियर है। तो कभी कभी एक क्वेश्चन ये भी आता है, ये पूछा गया है या सिंपल पेपर्स में है, अब आप ऑप्शन के साथ, है ना, द रेशियो ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर, क्या कहा, रेशियो ऑफ द, आपके पास लीस्ट है, लीस्ट कंपोजिट नंबर का रेशियो लेना है लीस्ट प्राइम के साथ, अगर ऐसा कुछ सवाल है, लीस्ट प्राइम के साथ। लीस्ट कंपोजिट नंबर कौन है, फोर है ना, उसका अगर मुझे रेशियो चाहिए, डिवाइड करोगे, लीस्ट प्राइम के साथ कौन है, टू है, तो रेशियो आएगा टू वन जा टू, टू टू जा फोर, ये आएगा टू इस टू वन, ये रेशियो आया। लेकिन अगर सवाल को घुमा दें, उन्होंने कहा रेशियो ऑफ द लीस्ट कॉमन प्राइम, लीस्ट प्राइम नंबर कौन है, टू है, इसका रेशियो लेना है लीस्ट कंपोजिट नंबर के साथ, वो फोर है, तो टू वन जा टू, टू जू जा फोर, ये वन इज टू टू बनेगा। तो थोड़ा ध्यान रखें कौन पहले पूछा गया, अगर आपको पूछता है लीस्ट कंपोजिट नंबर का लीस्ट प्राइम के साथ, तो आपके पास टू इज टू वन आएगा, है ना। अगर आपके पास पूछता है लीस्ट प्राइम का लीस्ट कंपोजिट के साथ, तो वन इज टू टू आता है, ठीक है, तो ये सवाल होता है। चलिए आगे चलते हैं, हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे कंपोजिट नंबर है क्या, है ना, ओके, उसके बाद प्राइम नंबर है क्या, हमने ये डिफाइन कर लिया। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक करता क्या है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग है, अलग अलग गांव है, ठीक है, इन दोनों में कोई एज इन डेफिनेशन के हिसाब से देखे तो दोनों में बिल्कुल कोई रिश्ता नहीं है, रिलेशन नहीं है, क्योंकि यहां पे हमने कहा एग्जैक्टली दो फैक्टर होते हैं और यहां पे हमने कहा मोर देन टू फैक्टर, लेकिन इन दोनों को जोड़ने का जो काम करता है वो है आपके पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये एक ब्रिज की तरह काम करती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक या प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम या यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम। तो होता क्या है, करता क्या है ये, तो स्टेटमेंट अगर आपके बुक में है, बुक में आपने पढ़ा होगा, वो ये है कि जितने भी कंपोजिट नंबर हैं, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। यहां तक एक स्टेटमेंट है। तो फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक की दो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। वो ये कहता है कि जितने भी कंपोजिट नंबर हैं दुनिया में, जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं, उन सब के सब को हम एक्सप्रेस कर सकता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। एग्जाम्पल, अगर मैं सिक्स को लू, सिक्स क्या है, कंपोजिट है, क्यों, क्योंकि सिक्स का आपके पास वन इंटू सिक्स एक फैक्टर हुआ, टू थ्री एक दो तीन चार फैक्टर हो गए, तो कंपोजिट है। लेकिन आपको पता है वन को मैं अभी अभी ऐसे लिख सकता हूँ, सिक्स को टू थ्री जा सिक्स होता है कि नहीं होता है, ये सिक्स कंपोजिट है, लेकिन टू प्राइम नंबर वन, ये प्राइम नंबर टू हुआ,
तो प्राइम के प्रोडक्ट में आपने एक्सप्रेस कर लिया, यही आपके पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमैटिक ही है। जो आप आज तक कर रहे थे वही आपके पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमैटिक है, सही है। तो और एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो 4 ही है, 4 को आप लिखोगे 2 2 4, ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर्स है। तो चूंकि 2 है, 2 दो बार है, तो 2 का आप स्क्वायर भी करते हो, राइट। तो आपने क्या किया, 4 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में एक्सप्रेस कर दिया 2 के स्क्वायर्स पे। तो ये सारे के सारे जो आप लिखते हो वो आप यूज करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमैटिक। आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमैटिक की जो स्टेटमेंट है उनको जरा लिख लेते हैं, ठीक है। जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमैटिक में हमने कहा आपके 2 भाग हैं, 2 हिस्से हैं, ठीक है। 2 हिस्से कैसे हैं, ध्यान से देखिएगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमैटिक में जो पहला हिस्सा है वो ये बताता है कि जो एवरी कंपोजिट नंबर है, एवरी कंपोजिट जो नंबर है उनको आप एक्सप्रेस कर सकते हो या आप फैक्टराइज कर सकते हो एज अ प्रोडक्ट ऑफ किसमें, प्राइम्स में। तो यहां तक एक स्टेटमेंट है, जैसे हमने कहा 6 को कर सकते हैं 2 into 3, 4 को कर सकते हैं 2 का स्क्वायर, 9 को कर सकते हैं 3 का स्क्वायर, है ना। इसी तरह 27 का कर सकते हैं 3 का क्यूब। तो ये सारे के सारे आप जो करते हो वो है पहला हिस्सा, एवरी कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। अब दूसरा क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, वो ये कहता है जो आपने जैसे 6 को लिखा 2 into 3, ये जो एक्सप्रेस किया है ये यूनिक है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम नंबर अकर्स। इसका मतलब क्या है, यहां पे हम लिख लेते हैं, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये यूनिक है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम अकर, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब ये जो आपने लिखा है फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमैटिक के पहले स्टेटमेंट को, कि कंपोजिट नंबर को हमने 2 प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में हमने एक्सप्रेस कर लिया, वो ये कह रहा है। दूसरा, ये जो फैक्टराइजेशन है यूनिक है, यूनिक का सेंस यहां पे ये कह रहा है, अगर आप 6 को 2 प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख पा रहे हैं, किस किस के, 2 और 3 के, तो कोई तीसरा प्राइम नंबर नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता, 7 नहीं आ सकता, 11 नहीं आ सकता, जो 6 का क्या बने, फैक्टर बने। तो ये जो यहाँ पे ये यूनिक शब्द है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो यूनिक शब्द है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूनिक यानी 2 आपके किसी भी कंपोजिट नंबर को आपने अगर किसी प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर लिया है तो कोई तीसरा, चौथा या पांचवा प्राइम नंबर नहीं आएगा उनके अलावा। आगे कह रहा है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर विच द प्राइम अकर, यानी आप 6 को 3 into 2 लिखो या 2 into 3 लिखो, फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो ऑर्डर में फर्क नहीं है कैसे भी लिखे, लेकिन यूनिकनेस में है कि कोई भी जो तीसरा प्राइम नंबर है वो आ नहीं सकता। तो ये जो स्टेटमेंट है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमैटिक, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन, सॉरी दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम अकर्स। यहां तक क्लियर है, ठीक है। तो जो स्टेटमेंट है उनको बिल्कुल दिमाग में क्लियर रखिएगा, क्लियर कट रखिएगा, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसीलिए हम यहां पे कभी कभी कहते हैं इसको यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम, क्योंकि जब आप फैक्टर कर रहे हैं इनके फैक्टर यूनिक है तो यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम है। प्राइम फैक्टराइजेशन भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि जो फैक्टर कर रहे हो आप सिर्फ इंटरेस्टेड हो यहाँ पे प्राइम नंबर के फैक्टराइजेशन में, आप 6 का ये फैक्टर नहीं लोगे कि 1 into 6, क्यों, क्योंकि 1 ना प्राइम है, 6 भी प्राइम नहीं है, तो 2 into 3 में ही इंटरेस्ट हो। इसीलिए हम कभी कभी इसको कहते हैं यूनिक फैक्टराइजेशन या प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम। आई होप यहां तक आपका चीजें क्लियर रहा होगा। तो जो चैप्टर है बेस्ड है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमैटिक के ऊपर ही बेस्ड है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमैटिक में आपने रियल नंबर्स में आपने बस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमैटिक पढ़ा, एक ही हिस्सा है, आपने क्या करा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमैटिक करा। अब इसकी एक एप्लीकेशन है, आप किसी भी 2 या 3 या 5 नंबर का HCF या LCM निकाल सकते हो, जैसे हमने पहले प्रीवियस क्वेश्चन में करा। दूसरा आप चीज क्या करते हो,
आपने क्लास नाइन्थ में पढ़ा होगा इरेशनल नंबर्स के बारे में, जैसे हमारे पास है अंडर रूट टू है, अंडर रूट थ्री है, अंडर रूट फाइव है, सेवन है, रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव के अलावा रूट सेवन तक आप जा सकते हो, उसके अलावा सिलेबस नहीं है। तो जितने भी रूट्स नंबर आपने पढ़े हैं अंडर रूट टू, अंडर रूट थ्री, अंडर रूट फाइव है ना, ईटीसी, इनको ये इरेशनल नंबर है तो क्यों है? क्लास नाइन में हम ये प्रूफ करते हैं और ये प्रूफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम ये प्रूफ करते हैं कि ये इरेशनल क्यों है ना, साथ में इसी से जुड़ा हुआ और दो तीन चार क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दो चीज मोटे मोटे तौर पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, फंडामेंटल थ्योरम मैथमेटिक्स को हमने समझ लिया, अगर आप स्टेटमेंट आते हैं तो लिख पाएंगे। दूसरा है इससे एलसीएम कैसे निकालते हैं, वो आराम से हो जाएगा। तीसरा है इनको हम इरेशनैलिटीज प्रूफ करते हैं, यानी इरेशनल नंबर अंडर रूट टू, अंडर रूट थ्री, अंडर रूट फाइव है तो क्यों है। यहां तक समझ में आया होगा आई होप, ठीक है। अब इसके जो एग्जांपल्स हैं, सबसे पहले हम चलेंगे जो कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी बोर्ड में, है ना, ये पूछते हैं क्या, जो आप जब सेकंड वाला पार की इरेशनैलिटी प्रूफ करिए, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आए, सवाल आए कि प्रूफ दैट अंडर रूट टू, या कभी कभी पूछे अंडर रूट थ्री या अंडर रूट फाइव, एक साथ नहीं पूछा जा सकता। अगर आपको पूछे प्रूफ दैट अंडर रूट टू इज इरेशनल, या अंडर रूट थ्री इज इरेशनल, या अंडर रूट फाइव इज इरेशनल, इज एन इरेशनल, तो कैसे करेंगे, जरा ये सवाल आते हैं आपके पास। तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए, प्रूफ करने के लिए आपके पास दो टूल होना बहुत ही जरूरी है। वो दो टूल्स को समझ लेते हैं पहले, हैं क्या, ठीक है। तो प्रूफ ये कर रहा है, लेकिन टूल्स क्या हैं आपके पास, उनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो टूल है वो ये है, ठीक है। क्या, जब भी आप कभी लिखोगे ये जो वर्टिकल लाइन बनाया, फिर भी लिखोगे, क्या ध्यान से देखिएगा, ए मैंने वर्टिकल लाइन बनाया फिर भी लिखा, इसका मतलब होता है ए डिवाइड्स बी। मतलब क्या, इसका मतलब ये है जो राइट साइड में जो नंबर है, ये जो लेफ्ट साइड में नंबर है, उन दोनों के बीच में एक लाइन खींची, एक लकीर खींची। अब जब मैं इसको रीड करूंगा, मैं ये कहूंगा ये जो नंबर राइट साइड में बैठा हुआ है इस साइड में, ये है मल्टीपल ऑफ ए का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल है ऑफ ए का। एग्जाम्पल, अगर आप लिखते हो 2 divides 4, इसका मतलब ये है, चूंकि 4 2 का मल्टीपल है कि नहीं है, 4 2 का मल्टीपल है, तो आप कैसे लिखोगे, 4 is equal to 2 into 2, 4 is equal to 2 into 2। या मैं इसको ऐसे रीड करूं लेफ्ट हैंड साइड से, ए डिवाइड्स बी, इसका मतलब होता है ये जो नंबर है ये आपका बी का क्या बनेगा, फैक्टर बनता है, बी का क्या बनता है, फैक्टर। तो ये ए जो है या तो बी के इक्वल होगा या तो बी से छोटा होगा, बी ए के या तो बराबर होगा या बी से, ए से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। ध्यान रखना, आप यहां पे जो नंबर है ये हमेशा फैक्टर होता है इस नंबर का, क्योंकि बी मल्टीपल है, बी ज्यादा हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। कैसे, आप लिखते हो 2 divides 2 का मतलब ये है, जब भी आप ये जो राइट साइड में नंबर बैठा हुआ है इसको 2 से डिवाइड करोगे, आपका रिमाइंडर 0 आएगा। कैसे, देखना, 2 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे, 2 1s are 2, रिमाइंडर 0 आया। तो जब भी ऐसा कुछ लिखते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है, तभी आप ये वर्टिकल लाइन लिखते हो, है ना। ये दोबारा देखिए, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप मान लीजिए 2 divides 6 लिखिए, ऐसा क्यों, जब आप 6 को 2 से डिवाइजर, ये जो यहाँ पे है ये डिवाइजर है ना, 2 3 जा कितना हुआ, 6 हुआ, तो रिमाइंडर क्या आया, 0। जब भी रिमाइंडर 0 आएगा आप ये वर्टिकल लाइन लिखोगे, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज आप क्या सिंबल यूज करेंगे, जैसे एग्जांपल, क्या 2 5 को डिवाइड करता है, नहीं करता, रिमाइंडर क्योंकि नहीं करता तो आप लिखोगे डजंट डिवाइड। क्यों, क्योंकि जब आप 2 एज ए रिमाइंडर डिवाइजर यूज करेंगे, 5 इज ए डिविडेंड, 2 2s are 4 हुआ, 5 में से 4 गया तो 1 आया, रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, तो आप लिखोगे 2 doesn't divide 5। क्लियर। तो आप जब भी लिखोगे ये जो नंबर है, ये जो आपने लिखा है यहाँ पे ए डिवाइड्स बी, ए और बी के बीच में आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करा, ये जब भी लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहां इसका मतलब है भैया रिमाइंडर आपका 0 हो रहा है, एक ऐसे याद कर सकते हो। यहां कभी ये कह सकते हैं बी जो राइट साइड में बैठा हुआ है वो मल्टीपल है ए का,
आप ये कहो जो लेफ्ट साइड में बैठा हुआ है वो फैक्टर है बी का, फैक्टर है बी का, इतना समझ में आया। तो जब भी ऐसा कुछ होता है, चूंकि बी मल्टीपल है, बी मल्टीपल है किसका, ए का मल्टीपल है, तो ए इंटू कोई नंबर लिख सकते हो, ए इंटू सी लिख सकते हो, है ना। इसको समझ लेना, यहां से देखे मैंने कहा 2 / 6, 6 मल्टीपल है 2 का, तो हम लिखते हैं 6 इज इक्वल टू 2 × 3 = 6, है ना। तो b इज इक्वल टू a इंटू सी, 6 इज इक्वल टू 2 × 3, तो आप ऐसे लिख सकते हो। या कभी कभी आपको ये ऐसे फॉर्म में दिया हो तो आप यहां से इंप्लाई करोगे ये जो a है b का फैक्टर है, यानी a डिवाइड्स b। अगर ये दिया हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर ऐसे दिया हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो पहला टूर आपको समझ में आया होगा, ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है, ठीक है, ये पहला टूल। दूसरा टूल क्या है, एक थ्योरम है आपके पास जो कि प्रूफ करना नहीं है आपने, वो ये कहता है अगर आपके पास एक प्राइम नंबर है p, है ना, और एक नंबर है a जो कि क्या है, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर को, पॉजिटिव इंटीजर यानी कोई नेचुरल नंबर है, सही है। अगर कोई भी प्राइम नंबर, अगर कोई भी प्राइम नंबर, अगर कोई भी प्राइम नंबर डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, तो यहां इंप्लाई करेंगे वही प्राइम नंबर ए को भी डिवाइड करेगा। कहने का मतलब क्या, अगर ए स्क्वायर पी का मल्टीपल है तो ए भी पी का मल्टीपल है, या अगर पी ए स्क्वायर का फैक्टर है तो ये जो पी है ए का भी फैक्टर है। तो ये थ्योरम है, इसको और इसको दोनों को मिला के हमने इन दोनों टूल का यूज करके इरेशनलिटी नंबर को हमने क्या करना है, प्रूफ करनी है। समझ में आया। तो ये जो प्राइम नंबर पी है जब ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वो इसे एग्जांपल हमारे पास आपको मालूम 3 डिवाइड करता है 9 को, सही है, मतलब इसका मतलब हुआ क्या, 3 डिवाइड करता है 3 के स्क्वायर को, 3 स्क्वायर 9 होती है। तो यहां से आपको मालूम है ना 3 को भी डिवाइड करता है, 3 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 3 ए को भी डिवाइड करता है, यानी 3 स्क्वायर जो कि 9 है मल्टीपल है 3 का, 3 भी मल्टीपल है 3 का, 3 वन जा 3 होता है। तो ऐसे कुछ है, तो इन दोनों टूल्स को यूज करके हमने प्रूफ करना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, सॉरी √2, √3 एंड √4 को इरेशनल प्रूफ करनी है। तो मैं थोड़ा टूल को यहां पे लिख के रख देता हूं। पहला टूल, अगर ए डिवाइड्स बी है, इसका मतलब है भैया बी जो है मल्टीपल ऑफ ए है, तो ए इंटू सी लिख सकते हैं। दूसरा चीज, कोई भी प्राइम नंबर अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो आप लिखोगे वही प्राइम नंबर ए को भी डिवाइड करेगा। आई होप यहां तक क्लियर है, ठीक। अब हम लिखते हैं यहाँ पे पहला सवाल जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, एक PYQ भी है, है ना, क्या प्रूफ दैट, ये आता है सवाल या के प्री बोर्ड्स में पूछे होंगे, पूछा जा चुका, प्रूफ दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। क्या कहा, प्रूफ करिए √2 जो है एक इरेशनल नंबर है। जब भी आप इरेशनलिटी प्रूफ करेंगे, आप एक मैथ्स का टेक्निक यूज करेंगे जिसे हम कहते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन है। तो प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन में आपने करना क्या होता है, जो स्टेटमेंट आपको प्रूफ करना है उसका आपने उल्टा एजम्पशन मानना है, कॉन्ट्राडिक्शन माननी है, क्या मतलब उल्टा मानना है। आपको √2 इरेशनल प्रूफ करना है, आप ये कहोगे मान लेते हैं √2 क्या है, रैशनल है, √2 रैशनल के बेसिस में आप प्रूफ करते करते जाओगे, आपके पास एक ऐसा चीज आएगा जो आपकी गिवन स्टेटमेंट को क्या करेगा, कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, ठीक है, काउंटर करेगा, तो वहां से हमारा प्रूफ होता है। चलिए देखते हैं क्या होता है, प्रूफ करते हैं, चाहे √2 पूछा हो, चाहे 3, चाहे 4, आप लिखेंगे हमेशा प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन से, हम लिखेंगे लेट अस अज्यूम दैट √2 इज अ रैशनल नंबर। अगर कोई भी नंबर रैशनल है तो आपको पता है उस नंबर को हम a अपॉन b के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका मतलब हम √2 को लिख सकते हैं a अपॉन b के फॉर्म में। यहां पे एक स्टार लगा रहा हूं मैं, हमेशा याद रखें हम यहां पे एज्यूम करके चल रहे हैं a और b का कॉमन फैक्टर 1 है,
मतलब क्या, ये दोनों आपस में को प्राइम है। जब भी दो नंबर का कॉमन फैक्टर वन होता है उनको हम को प्राइम कहते हैं। क्या ऐसा हम हमेशा कर सकते हैं? हाँ जी। देखना, मान लीजिए आपके पास एक नंबर है टू है, दूसरा एक नंबर है एट है, पी अपॉन क्यू की शक्ल में तो है, लेकिन कॉमन फैक्टर वन के अलावा कुछ और भी है। कौन है? टू है। टू वन सा टू, टू फोर सा एट, अब ये वन अपॉन फोर की फॉर्म में हुआ, तो ये दोनों इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है ना। तो मैं ये कह रहा हूं हम इस फॉर्म में लेके आ रहे हैं, हमने ये ज्यूम किया अंडर रूट टू अपॉन बी तो है, लेकिन ए और बी का कॉमन फैक्टर वन है, तो वन और फोर का कॉमन फैक्टर कौन है? वन है ना। वन के अलावा कौन और डिवाइड करेगा इन दोनों को? वन और फोर का कॉमन फैक्टर वन है, तो ये असम्पशन जरूरी है ए और बी का कॉमन फैक्टर हमने क्या ज्यूम किया? वन है। ठीक है, ठीक है। अब यहां से क्या हुआ, सिंपलाइज थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप अंडर रूट टू को बी से मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा? अंडर रूट टू बी इज इक्वल टू क्या हुआ? ए हुआ। क्लियर। अब आप यहां पे स्क्वायरिंग करिए बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, बोथ साइड, तो ये बनेगा अंडर रूट टू बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बना? ए का स्क्वायर। इसका मतलब यहां पे रूट टू का भी स्क्वायर लगेगा, बी का भी स्क्वायर लगेगा, है ना। कैसे? अगर आपके पास कोई भी दो नंबर है उनका पावर एन है तो ए का भी पावर एन लगता है, बी का भी पावर एन है, तो यहाँ पे अंडर रूट टू का भी आपके पास अंडर रूट टू का भी स्क्वायर लगेगा और बी का भी स्क्वायर लगेगा, विच इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। और स्क्वायर और रूट कैंसिल हुआ तो मैं यहां से कह सकता हूं टू बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, टू बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इक्वेशन है, इसको मैं फर्स्ट कह दूं, यहां समझेगा चीज को। ठीक है, तो मैं थोड़ा यहां पे लिख लेता हूं, मेरे पास आया है टू बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर यहां पे। ठीक है, अब समझिए इसका मतलब क्या है। ये जो ए स्क्वायर है किसका मल्टीपल है? टू का। टू इंटू कोई भी नंबर, टू इंटू कोई भी नंबर, टू वन सा, टू टू सा, टू फोर सा, टू एट सा, हमेशा टू का मल्टीपल है। तो यहां से ये हुआ कि जो ए स्क्वायर है मल्टीपल है किसका? टू का। इसका मतलब क्या, टू जो है स्क्वायर को डिवाइड करता होगा। जब भी आप कहो कि ए स्क्वायर मल्टीपल है टू का, जो स्क्वायर है उसको राइट साइड में लिखोगे। तो ध्यान से देखना, मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं यहां पे क्या करता हूं, इसका मतलब ए स्क्वायर जो है मल्टीपल है किसका? टू का। तो टू वर्टिकल लाइन, ए स्क्वायर यानी टू डिवाइड्स ए स्क्वायर। ये सही है, ये सही है, क्योंकि ए स्क्वायर मल्टीपल है टू का। अब आपके पास ये थ्योरम है, पी अगर प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, पी ए को भी डिवाइड करता है। टू प्राइम नंबर है, अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो यहां से इंप्लाई क्या करेगा, टू जो है ए को भी डिवाइड करेगा। टू ए को डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ, चूंकि ए क्या है, ए प्राइम नंबर है, सॉरी टू प्राइम नंबर है, डिवाइड कर रहा है ए को, इसका मतलब ए इज मल्टीपल ऑफ टू। सही है, हमने ही कहा था ए डिवाइड्स बी, तो बी है मल्टीपल ऑफ ए का, यानी बी को लिख सकते हो ए इंटू सम नंबर। चूंकि टू डिवाइड ए, इसका मतलब क्या हुआ, ए है मल्टीपल ऑफ टू का, तो ए इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं टू इंटू सम नंबर, हमने कहा टू इंटू सी लिखा। ठीक, अब ये a is equal to 2c है, आप क्या करोगे इस इक्वेशन में जहां a है वहां पे पुट करिए। तो यहां से क्या हो जाएगा, मैं पुट करता हूं a is equal to 2c in equation number first यहां पे, तो क्या हो जाएगा 2b का square is equal to, यहां पे क्या था a का square, a का square मतलब a की जगह पे 2c है, 2c का square। अब ये हो जाएगा 2b का square is equal to, square दोनों पे लगेगा, टू का भी स्क्वायर होगा, सी का भी स्क्वायर होगा, तो ये होगा टू बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 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 जा फोर सी का स्क्वायर, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, तो बी का स्क्वायर बराबर आया टू सी का स्क्वायर। सही है, अब सेम आर्गुमेंट, यहां पे क्या हुआ, बी स्क्वायर जो है टू इंटू सम नंबर है, तो बी स्क्वायर टू का मल्टीपल है। हमें यहां पे सी पे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि ए और बी के फॉर्म में लिखा हमने अंडर रूट टू को। तो क्या हुआ, आगे देखना, बी स्क्वायर चूंकि टू का मल्टीपल है, तो मैं यहां से कह सकता हूं टू जो है बी का फैक्टर है, तो टू अगेन डिवाइड करेगा किसको, बी स्क्वायर को। अगर टू बी स्क्वायर को डिवाइड करता है, चूंकि टू प्राइम है, अगेन इस थ्योरम से हम ये कह सकते हैं टू जो है बी को भी डिवाइड करेगा। अगर टू बी को डिवाइड करेगा, बी किसका मल्टीपल है, अगेन टू का, तो चूंकि बी टू का मल्टीपल है, बी इज इक्वल टू टू इंटू सम नंबर, डी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं सकते हैं। अब थोड़ा ध्यान दे,
यहां पे a इज इक्वल टू 2 इनटू सम नंबर है, यानी a का जो फैक्टर है 2 है. b इज इक्वल टू 2 इनटू सम नंबर है, यानी b का भी फैक्टर 2 बना. व्हिच कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन दैट a और b का कॉमन फैक्टर तो 1 ही है. तो 2 जो है आपके पास एटलीस्ट एक एक्स्ट्रा फैक्टर निकल के आया, सही है. तो यहां पे व्हिच कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन, ए अजम्पशन. देयरफॉर व्हिच कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन, यहां पे एक लाइन लिखिएगा व्हिच कॉन्ट्राडिक्ट्स आर अजम्पशन, ठीक है. जो हमने अजम्पशन माने थे उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा, देयरफॉर अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल, है ना. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने माना था अंडर रूट 2 रैशनल है, तो इसीलिए मानने पे हमारे पास ये सब कुछ आ रहा है. तो हमने कहा अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, क्लियर है. तो जो भी क्वेश्चन आएगा, चाहे रूट 3 हो, चाहे 5 हो, चाहे 7 हो, जो आपके पास थ्योरम को प्रूफ करने का तरीका है, बस आप ऐसे ही करेंगे. जहां 2 है वहां 3 आएगा, जहां 5 है वहां पे, सॉरी, जहां 2 है वहां पे 5 आएगा, अगर 5 को प्रूफ करना हो. तो ये सवाल सही है, आई होप सबको समझ में आया होगा. कहीं पे भी कोई डाउट है आप आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है. चलिए तो फिर इसको नोट करिए. तो चलिए आगे कुछ और क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं. इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम और एक नेक्स्ट क्लास में भी हम बाकी जो PYQs हैं और सिंपल पेपर में अगर कोई क्वेश्चन बचता है उनको भी चर्चा में ले लेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले जो प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, या आपके सिंपल पेपर क्वेश्चन जो है 2024 में CBSE द्वारा रिलीज किया गया है उसमें है, और ये 2018 में पूछा गया है, 2019 में भी पूछा गया है ना. इसी तरह अंडर रूट 3 का जो प्रूफ है 2016 में पूछा गया है, अंडर रूट 5 का 2020 में, और अंडर रूट 5 का 23 में भी एक सवाल है ना. और ये जो सवाल है 2015 का है, कौन सा, चेक whether 4 का जो पावर n है क्या वो एंड होता है कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, इसको डिस्कस कर लेते हैं. एक दूसरा है 2018 का है, व्हाट इज द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर. ये बहुत छोटा सा अभी हमने करा हुआ है, तो पहले चलिए 2018 वाले ये करते हैं. बताइए HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर. स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन है, 2 है. स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन है, 4 है. इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, है ना. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है, जब भी आप HCF को देखते हो तो इधर से देखिएगा. सबसे पहले 2 या 2 से ज्यादा नंबर का फैक्टर्स निकालो, उनके बाद उन फैक्टर्स में जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं उन सबको लिस्ट करो, उनमें हाईएस्ट जो है वही हमारा HCF रहता है. आपको पता है 2 का जो फैक्टर है वो 1 और 2 ही होता है, और 4 का जो फैक्टर है वो 1 4 4, यानी 2 2 4. तो जो 4 का फैक्टर है क्या क्या हुआ, 4 का जो फैक्टर है या 1 हुआ, या 2 हुआ, या 4 हुआ. सी, ये हमने फैक्टर लिख दिए, ठीक है, ये फैक्टर लिख दिए जस्ट समझने के लिए, ध्यान से. अब उसके बाद क्या है, कॉमन फैक्टर कौन कौन है. कॉमन है यहाँ पे 1 है, 2 है, 1 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी, 4 नहीं है, तो कॉमन फैक्टर आया भैया 1 और 2. और इन 1 और 2 में हाईएस्ट कौन है, अरे बड़ा कौन है, 2 ही तो हुआ, तो सिर्फ हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा. ये सरल एक नंबर का सवाल था, ये 2018 में पूछा गया है, ठीक है. तो इस टाइप के कुछ सवाल पूछते हैं, जैसे हमने अभी कहा लीस्ट बताइए, लीस्ट किसका, HCF और ये आपका लीस्ट प्राइम नंबर एंड लीस्ट कंपोजिट नंबर का जो रेशियो है जरा वो बताइए. वो हमने सवाल कर लिया, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जरा इस पे चर्चा करते हैं. चेक वेदर, बताइए क्या कभी आपको कोई ऐसा एन मिलेगा जिसको 4 के पावर में रख दें, 4 का पावर एन हो, क्या कोई एक ऐसा एन जो कि नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर माने 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई एन मिलेगा जब आप उसको 4 के पावर में रख दो तो जो यूनिट प्लेस पे नंबर है वो उस पे 0 आ जाए. एग्जाम्पल मान लीजिए 4 का पावर 1 कर दो तो 4 आया, यूनिट प्लेस पे आपके पास क्या आया, 4. 4 का पावर 2 कर दो तो 4 का कितना हुआ, 16, तो यूनिट प्लेस पे 6 आया. इसी तरह 4 का पावर 3 कर दें, 16 का पावर 3 ये कितना आएगा, 20 64, तो अगेन 4 आएगा. तो क्या ऐसा कुछ n मिलेगा, अगर आप 1 2 3 लगा के चक्कर दे जाएंगे तब तो बहुत समय लगेंगे. तो यहाँ पे ये एप्लीकेशन है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का, क्लासिकल एग्जाम्पल. कैसे करोगे आप,
देखना ध्यान से, हम यहाँ पे 4n को क्या ऐसे लिख सकते हैं, 4n को हम लिख सकते हैं 4 का प्राइम फैक्टर करिए, प्राइम फैक्टर होता है 4 क्लिक को, ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, उनका पावर n है, राइट। तो ये बनेगा 2 का पावर 2n बना, समझ में क्या आया। जो 2 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं, 4 का जो प्राइम फैक्टर है, 2 के अलावा कुछ और आ रहा नहीं आ रहा, तो ये तो हमने प्राइम फैक्टर करा। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के हमने कहा था जो यूनिकनेस पार्ट है, जो यूनिकनेस हिस्सा है, वो ये कहता है कोई भी कंपोजिट नंबर में अगर कोई सेट ऑफ प्राइम नंबर आ रहा है तो उनके अलावा कोई तीसरा चौथा नहीं आएगा। अगर 4 के प्राइम फैक्टर्स में 2 है तो 2 के अलावा कोई और नंबर नहीं आ सकता। तो यहां से क्या प्रूफ हुआ। अब देखो, हम यहां पे कह रहा है, पहले ये डिस्कशन को यहां पे फिलहाल रख दो, हम ये कहते हैं जब भी कोई भी नंबर, कोई भी नंबर अगर 0 से एंड होता हो, जैसे 10 हुआ, 20 हुआ, 150 हुआ, 2850 हुआ, यानी जब भी 0 से एंड होता है, हमेशा देखना उन सारे नंबर्स का 5 फैक्टर होता है, 5 फैक्टर होगा, जैसे 10 का है 2 × 5, 20 का है 4 × 5, यानी 2 × 2 × 5, तो 5 फैक्टर बनेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी कोई भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 है, 5 फैक्टर है। अगर हमें ऐसा कोई n मिल जाता कि 4 के पावर पे रख दें, यूनिट प्लेस पे 0 होता, इसका मतलब 5 फैक्टर बनता। लेकिन हमारे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ यूनिकनेस पार्ट से हमने ये कहा कि 2, 4 का तो 2 ही फैक्टर है, तो ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है कि आपके पास 5 फैक्टर बन के आ जाए। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कभी भी 4 की पावर n है, n ऐसा कोई नहीं मिलेगा कि आप यहाँ पे चढ़ा दो तो आपको क्या मिले, यूनिट डिजिट पे 0 मिले। आई होप ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। ये आपके बुक में एग्जाम्पल डिट्टो है, आप उस पर देख लो, एक बार रीड करिएगा, सेम चीज है, आप आराम से समझ पाएंगे। अब इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकती हैं जो आपकी बुक में है, वो एक ये भी है, क्या कोई n मिलेगा कि 6 के पावर पे चढ़ा दे तो यूनिट प्लेस पे 0 मिलेगा। अब यहाँ पे देखना, अगेन 6 प्राइम नंबर, सॉरी कंपोजिट है, इसको हमने फैक्टर करा 2 × 3 में, है ना, पावर n है, तो पावर शेयर करो, 2 × 2 का पावर n, 3 का पावर n हुआ। अगेन यूनिकनेस पार्ट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से ये मालूम पड़ता है कि 6 का 2 ही फैक्टर है, 2 × 3, 2 और 3, उनके अलावा कोई तीसरा नहीं आएगा। क्योंकि इसमें भी प्राइम नंबर 5 बन के नहीं आएगा एज अ फैक्टर, तो हम ये कह सकते हैं कोई ऐसा एन हमारे पास नहीं मिलेगा कि जो 6 का पावर चढ़ा दे तो यूनिट प्लेस पे क्या मिले, 0 मिले। अगर मैं कहूं 18 का पावर एन है, क्या कोई ऐसा एन मिलेगा जिसको आप पावर में चढ़ा दो तो आपको यूनिट प्लेस पे 0 मिले। तो अगेन 18 को हम क्या कैसे फैक्टर करते हैं, 18 को जो प्राइम फैक्टर करते होंगे, आई थिंक आपने करा होगा, देखना कैसे करते हैं, 2 9 18 हुआ, फिर 3 3 9 हुआ, तो 18 को आपने लिखा 2 × 3 का स्क्वायर, सही है, पावर n है, तो ये हुआ 2 का पावर n और 3 का पावर 2n। अगेन 18 का जो फैक्टर है 2 और 3 ही है, यूनिकनेस पार्ट की, इससे हम ये कह सकते हैं 2 और 3 के अलावा कोई तीसरा प्राइम नहीं आएगा, तो कोई ऐसा n नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा जिसको आप 18 के पावर में रख दो तो आपको यूनिट प्लेस पे क्या मिले, 0 मिले। क्लियर है। तो जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, इसके बहुत एप्लीकेशंस हैं, चाहे एचसीएफ निकालना हो, एलसीएम निकालना हो, इरेशनैलिटी प्रूफ करनी हो, या इस टाइप के क्वेश्चंस को टेक करना हो, ठीक है, तो ये सवाल हमारे पास बन जाती है, ठीक है। अगर आपको √3 √5 में कोई डाउट है, आप कमेंट करके आराम से पूछ सकते हैं। और एक सवाल इससे बनते हैं, जैसे जैसे आपने कहा, आपको दिया गया होगा प्रूफ दैट √2 इज इरेशनल नंबर, एंड ऑल्सो प्रूफ दैट 2 + 2√2 इज इरेशनल, या आपको दिया होगा 3 − √2 इज इरेशनल। तो इन क्वेश्चंस को करने का इजी तरीका है, या कभी कभी आपको सीबीएसई में ये लास्ट ईयर क्वेश्चन है कि आपको ऐसे कोई नंबर दे, प्रूफ दैट 3 + मान लीजिए आपको कहा गया 5√2 इज इन इरेशनल नंबर, गिवन दैट आपको ये पता है कि √2 इज इन इरेशनल। तो वैसे क्वेश्चन को टेकल हम जो सॉल्व करेंगे, कुछ और क्वेश्चन बचता है उनको हम कल देख लेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही, आई होप आपने एंजॉय किया होगा, क्लास को समझ में आया होगा, कोई भी डाउट रहता है आप आराम से पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।